Hello friends, you all are watching KCSSU Entertainment. I am your host, C. Baghel, sir. Today is a Women Day, Nari Shakti Divas. Iski samiksha karenge, isme char shabd kahenge. To chalu karte hain. Aaiye dosto, jo mahilaen ghar chala sakti hain, woh company bhi bakhubi chala sakti hai. Yeh mahaj udharan nahi hai, ye tathya hai jo aadhunik duniya mein baar baar sabit ho raha hai. कंपनियों के बोर्डरूम में और सीईओ के पद पर महिलाओं की बढ़ती संख्या यह बताने को काफ़ी है कि वे क्या कर रही हैं. महाभारत के शांति पर्व में यह उक्ति है, न ग्रहम ग्रह मित्याहु ग्रहणी घर मुच्यते. तात्पर्य यह है कि घर को घर नहीं कहते, गृहणी को ही घर कहते हैं. जैसे छोटी छोटी बच्चियां भी अपने परिवार की प्रवाह करती है, अधिकार से डांटती है, झूठ मूठ की चाय पिलाती है या अपनी किताबों से पापा और दादा को पढ़ाती है, तो समझ आता है कि बेटी पत्नी माँ दादी बुआ नानी किसी भी रूप में स्त्री ही घर की रौनक होती है. प्रकृति ने स्त्री को महान भूमिकाओं के लिए तैयार किया है. वह एक साथ लीडर, प्रबंधक, शिक्षक, सर्विस प्रोवाइडर, पोषक, विशेषज्ञ, व्यवस्थापक, प्रेरक, संयोजक, प्लानर, प्रोग्रामर, एग्जीक्यूटिव समेत न जाने कितने किरदार निभाती है. वह मल्टीटास्कर की आदर्श मिसाल है. बेशक इन खूबियों के पीछे ठोस कारण भी है. उनका मस्तिष्क पुरुष के समान होने के बावजूद संरचना में भिन्न है. हार्मोन उसे विभिन्न शक्तियां और क्षमताएं देते हैं. 10 लाख साल से मानव इतिहास में अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए उसने रंगों की परख, गंध को ताड़ने की क्षमता, मनोभाव को पढ़ पाने का हुनर और सबसे बढ़कर छठी इंद्रियां जैसी उपलब्धि अर्जित की है. भले ही विज्ञान हर व्यवहार की जड़ मस्तिष्क में देखता है, परंतु स्त्री की कोमलता, संवेदनशीलता, सहानुभूति और त्याग से संबंधित सहज बर्ताव को दिल से जोड़ा जाता है. सोचिए, घर में सबकी आवश्यकता का ध्यान रखने वाली स्त्री के लिए दफ्तर में यही काम करना आसान होगा. पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, अब पॉइंट नंबर 2 को लेंगे. पॉइंट नंबर 2 यह है कि पुरुष जब घर से दूर होता है और फ़ोन पर पूछता है कि गेट पर ताला लगा लिया ना, वही स्त्री पूछती है खाना खाया कि नहीं, क्या क्या खाया. यह एक तथ्य बताने के लिए काफ़ी है कि परिवार पोषण का ख्याल स्त्री के मन मस्तिष्क में किस तरह से अंतर्निहित है. थोड़ा दरवाजे को लगा बेटा. शुरुआत में जब भोजन जुटाना पुरुष की जिम्मेदारी हुआ करती थी, तो उसे पकाना और सामग्रियों के साथ स्वादिष्ट और पोषक बनाना स्त्री के शुरुआत में जब भोजन जुटाना पुरुष की जिम्मेदारी हुआ करती थी तो उसे पकाना और सामग्रियों के साथ स्वादिष्ट और पोषक बनाना स्त्री के जिम्मे आया. मातृत्व से जुड़े स्नेह और प्रवाह के भाव ने इसे हर सदस्य की पसंद का ध्यान रखते हुए सुपाच्य, पोषक और स्वास्थ्यवर्धक बनाया. स्त्री पहले और अब भी खेती किसानी में बराबर का हाथ बटाती थी, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद पुरुषों ने खदानों, कारखानों और दफ्तरों में काम करना प्रारंभ किया, तो दुनिया के एक हिस्से में घर और घरेलू कार्यों का पूरा दायित्व स्त्रियों पर आ पड़ा. इसके चलते यह गुण निखरता गया. पॉइंट नंबर 3, जब रात में छोटा बच्चा हल्की सी भी आवाज़ निकालता है तो माँ के साथ साथ उस कमरे में सोई मौसी या बुआ की नींद खुल जाती है, भले ही वो 10-11 साल की हो. शोधों से प्रमाणित किया जा चुका है कि मातृत्व के गुण जन्मजात होते हैं, जो बच्चों को जन्म देने के बाद और विकसित होते जाते हैं. कुदरत ने औरत को माँ के रूप में तैयार किया है. उसके तमाम गुण और खूबियाँ बच्चे के पोषण पालन पोषण के लिहाज से विकसित होती गई हैं. बच्चे के जन्म के 1-1.5 साल तक माँ को रोज़ाना अपने नींद की जितनी कुर्बानी देनी पड़ती है और दिन भर जिस तरह खटना पड़ता है, कोई अन्य व्यक्ति
या तो गंभीर पड़ जाएगा या उसकी दिमागी हालत बिगड़ जाएगी। परंतु माँ तो बच्चे की मुस्कान देखकर खुश और संतुष्ट हो जाती है। रात भर जागने के बाद भी उसे सुबह सोने नहीं बच्चे के लिए खाना बनाने या अन्य इंतजाम करने की चिंता रहती है। पॉइंट नंबर 3, आप बचपन से अब तक अपनी समस्याएं, चिंताएं, डर और दुख तनाव जिसके साथ साझा करते हुए सहज रहे हैं वो आपकी माँ है, दादी है, नानी है, बहन है, पत्नी है। इनके साथ आप दिल खोलकर रख देने में कोई झिझक महसूस नहीं करते। कल्पना कीजिए, जब पिता और पुत्र में टकराव होगा या होता है, दो भाइयों के बीच तलवारें खिंच जाती है, तो माँ बहनें के लिए कैसी स्थिति बन जाती है। ऐसी हालत में भी वे न सिर्फ दोनों पक्षों से बराबर लगाव रखती हैं बल्कि शांति स्थापना की कोशिश भी करती हैं। वे दोनों के मध्य सेतु का कार्य करती हैं। इसलिए स्त्री फैसले सुनाने वाली नहीं होती। इनके चलते हम माँ बहनों के सामने बेझिझक अपनी गलतियाँ स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है कि सब कुछ जानने के बाद भी हमारे प्रति उनकी भावनाएं नहीं बदलेंगी। पॉइंट नंबर 4, शोधों के अनुसार महिला और पुरुष की दिमागी संरचना भिन्न होती है और शारीरिक मानसिक कारों के अंतर संबंधों से व्यवहारिक और संज्ञानात्मक पहलुओं में अंतर पाया गया है। एक रिसर्च में यह पाया गया कि पुरुष काउंसलर की तुलना में महिला काउंसलर काफ़ी अधिक सकारात्मक थी। पॉइंट नंबर 5, औरत ने बचत और धन प्रबंधन के जरिए भी परिवार की समृद्धि में हाथ बटाया है। इसमें प्लानिंग है, धैर्य है, प्राथमिकता है, दूरदर्शिता है, ऐसे सहज गुणों की मदद की है। ऐसे तो मैं हजारों गुण आपको गिना दूंगा और उसका व्याख्यान करता चला जाऊंगा। मैं ये 4 शब्द बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आई एम योर होस्ट टी बघेल सर। यू ऑल आर वॉचिंग KCSSU एंटरटेनमेंट। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे प्लीज़। थैंक्स।